को पावन अपनी हाथ उठे कृष्णाए वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। प्रिय देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को एकाग्र और चले कल के प्रसंग में। कल के प्रसंग में हम लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं, भगवान हमें और शक्ति दे, हम महाराज जी के यथार्थ रूप में इसके समझ सके और अपनाने में भी कोई कसर न छोड़े। प्रसंग है दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जहां से भगवान जी का उपदेश प्रारंभ होता है। यहां से हमें समझ आती है मेरे देवियों मेरे सज्जनों के उपदेश भगवान क्यों देना चाहते हैं। अज्ञानता से लो एकाग्र जाओ, अज्ञानता से, भूल से, भ्रांति से, जहालत से, हाँ जो हमारे में दुख आ गया, दुख अज्ञानता से आता है, हाँ बेसमझी से आता है, नलायकी और मूर्खता से आता है जी। हमें संसार को सही रूप में समझा नहीं, ये सृष्टि में आए हैं, बाकी सारी बातें समझ लेते हैं, कमाना सीख लेती हैं, शादी करना सीख लेती हैं, इज्जत लेना सीख लेती हैं, सेहत चली जाए तो उसे दोबारा वापस ले लेना सीख लेती हैं, ये सारी बातें, कोई रूठ जाए उसे मनाना सीख लेती हैं, लेकिन दुनिया में आकर दुनिया को नहीं सीख, दुनिया है क्या, कितना निराला प्रश्न है, कोई इधर ध्यान भी नहीं देता। हालांकि सबसे पहला जरूरी क्वेश्चन यही है जिस संसार में, संसार क्या, कोई भी नहीं समझाता और ना हमारी गंदी नाकस अकल इसकी तरफ ध्यान देती है, जलील भी हो रही है बुद्धि फिर भी नहीं समझती ये संसार क्या। समझो वास्ता है आपको अपने कल्याण का, ओ मेरी देवी ओ मेरे सज्जनों, समझो रब की सृष्टि को, रब की सृष्टि क्या है, तो रब की सृष्टि समझनी कहां से है, रब से, वाह ग्रस्त आश्रम समझना किससे, जिसने बनाया अपने पिताजी से। मैंने कई बार अपने घर के दृष्टांत दिए, घर में कभी कभी पिताजी मारते थे, कुछ करते थे, तो हम पूछ लेते थे खड़े होकर के, पिताजी कभी किसको मारने गया, अच्छा ही लगता घर के अंदर, तो मैं कुछ चाहता हूँ मारना, फिर आप हमें बताते क्यों नहीं, हम कैसे रहे कि आपको क्रोध ना आए, शाबाश। हमने यही सोचा है कभी कोई मार खा रहे कभी कोई, तो आप बताओ ना आपको क्यों क्रोध आता है, हम ऐसा ही करेंगे, मजा आ गया, हम मार नहीं करेंगे, घर का वातावरण खराब नहीं करेंगे, बिल्कुल। इसलिए हम रब से समझे, रब तेरी सृष्टि क्या है, और कोई नहीं बता सकेगा सिवाय परमात्मा के, और वक्त कैसा काला है, हम परमात्मा को परमात्मा ही नहीं कहते, ऐसा गंदा वक्त आ चुका है, तो आपके भाग्य अच्छे हैं, वरना आज करके पढ़े लिखे बच्चे, आज करके वातावरण में, आज करके हवाओं और फिजाओं में परमात्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, नास्तिक पना, कृष्ण को कृष्ण ही नहीं कहा जाता, वो तो एक महापुरुष थे, वो तो एक ऐसे ही थे, वो तो ग्वाले थे, थोड़ी मिट्टी पली तो सारी जिंदगी तबाह कर लोगे। जो भगवान को भगवान ही समझते हो, भगवान के उपदेश को क्या उपदेश समझेगा, इससे क्या भगवान का बिगड़ेगा, बिल्कुल नहीं, आपका बिगड़ेगा, आपका परिवार का बिगड़ेगा, आपकी औरत का बिगड़ेगा, आपके समाज का बिगड़ जाएगा। हे जब आता हूं इंसान का पहने लिबास, नहीं परवाह करते मेरी नाशनास, जो नाशनास अज्ञानी है पता ही नहीं लगता, बाप को बाप ना कहना, खाए ना धक्के, जीव धक्के खाएगा ना, आपके अभाग्य, अभाग्य इस नास्तिक वक्त में, जबकि जीव खाने पीने और भोगने में दिन रात लगा हुआ, दिन रात यही काम है, खाओ पियो अनेक बनाओ, भारत में बोझ बढ़ा के मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, चारों ओर यही आवाज आ रही है, क्या पढ़े लिखे क्या ना पढ़े हुए, क्या खांदा ना खांदा, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, सी एक ही बीमारी चारों ओर लगी हुई है, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, बस मर जाना। आपको अपने भगवान की श्रद्धा है, आप अपने भगवान को भगवान मानते, कितनी हैरानगी की बात है, देवी देवता मेरी बात सुन के शायद मुझे लानत मार रहे होंगे, भगवान को भगवान में नहीं समझा जा रहा, वो देख ही रहेंगे दुर्योधन की तरह, कंस की तरह,
है दुशासन की तरह, करण की तरह, यानी असरियत की पहचान नहीं। जिस जो भगवान को भगवान ही समझता, जहान को क्या खास समझेगा, तो क्या बिगड़ा, किसका बिगड़ा, हमारा बिगड़ा, हम दुखी होते जा रहे हैं। मैं तो अनेकों को कह चुका हूं, अनेकों को, अगर आप भगवान को भगवान ही मानते हो, उनको उपदेश की कदर नहीं करते, तो क्या हाल है आपका, आपका मन में शांति है बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकती। सियाने कहा करती है, दरिया में रहना और मगरमच्छ से वैर, दरिया में रहना और मगरमच्छ से वैर, संसार में रहना संसार बनाने वाले को मानना ही नहीं। अगर हम कहें कि एक पिन बनाने वाला कोई है कि नहीं, जरूर पिन अपने आप नहीं बनता, इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बन गई, एक छोटा सा पिन अपने आप में नहीं बनता, कोई बनाने वाला हो, कोई उसका मटेरियल हो, कोई मशीनरी हो जो उसको ऐसा बना दे, पीछे हुक बनाए, आगे लंबा बनाए, फिर लंबे में आगे सुई की तरह तेज करे, ताकि जहां प्रिक करे वो उसके अंदर जा सके, फिर अखीर में पीछे हुक हो ताकि सारा नब पिन निकल जाए, पीछे रोक भी हो, किस तरीके से हम छोटा सा पिन बनाते हैं, ऑल पिन। हां कितनी उस्तादी चाहिए इसके लिए। एक छोटा सा मैं पिन का दृष्टांत दे रहा हूं, जो तीन चार कागजों को नत्थी करते हैं हम, तो इतनी बड़ी सृष्टि, वाह बदकिस्मती तेरे पे तू ही रो, हम तो नहीं रोएंगे, बदकिस्मती पर बदकिस्मती ही रोए, परमात्मा को नहीं माना जाता। ऐसे जीव क्या होंगे, परले दर्जे के कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, हंकारी, बेटे परले एक्सट्रीमली दे आर इन नेगेटिव क्वालिटीज, वेदर दे आर गर्ल्स, वेदर दे आर बॉयज, इन एनी सेक्स दे में भी है जीवरी सरकार। हम तो अपनी जगह हैरान, हम तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, कोई समाज में जाके बकबक करे, ना सुनने वालों के लिए हम डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं, हक में भी नहीं, ना मैं हूं ना मेरे भगवान हक में है, कि ना उनका भी समय नहीं आया, मालिक की मर्जी है। तो नेक जीवो हो, कल्याणकामी देवी हो, भगवान की दुनिया में आकर पहले दुनिया को समझो, और दुनिया समझने के लिए अपने चाचे से नहीं, जो चाचा मेरे धार्मिक नहीं, पिताजी धार्मिक नहीं, मां धार्मिक नहीं है, आज करके अफसोस की बात है, ब्राह्मण भी केवल पेट पालू, कुनबा पालू बन गए, कुनबा पालू, परिवार पालू बन गए, हाँ धर्म पालू नहीं रहे, ओए होए होए होए, मैं भारत धर्म भूमि भारत में कह रहा हूं कि यहाँ के ब्राह्मण भी कुनबा पालू हो गए, परिवार पालू हो गए, धर्म पालू नहीं रहे। कौन समझाए, आपके अपने ही शुभ संस्कार जाग जाए तो भगवान वातावरण बना के आपको समझाए। बड़ी मुश्किल पड़ती जा रही दिन प्रतिदिन, और इंसान के बच्चे को समझाया ना जाए, अपने आप समझ नहीं आती, भगवान ने नियम बना रखा है कि पहले कुछ समझाए, या तो ये रब ने नियम ना बनाया होता, ये नियम बना पड़ा है। अब रब ने ये कहा, रब सोचे ना, भगवान ने कहा नियम क्या है, तू जा उनके पास जो चोटी के ब्रह्म ज्ञानी है, तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे, पर अब वो कहां है, ऐसे भगवान के चोटी के ब्रह्म ज्ञानी कहां है, दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे, और जिनकी पहुंच है वो समाज में जाते ही नहीं, बेटे वो समाज में नहीं आएंगे, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, वो इस खप खप में शोर होल में नहीं आएंगे, दिल्ली नहीं करेगा, 1% भी मन नहीं करेगा उनका शोर होल में जाने का, या बेवकूफों को समझाने का, किसको समझाए, एक कमला समझाए वेड़ा, पर जिथे वेड़ा कमला समझाए केड़ा, एक तो कमला हो तो 4-5-10 मिलके समझा ले, जब सारे कमले हो झल्ले लड़कू लल्ले, वाह क्या होगा, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, और दिन ब दिन की झल्ले बढ़ते जा रही है, बार मुखी बढ़ते जा रही है, कामी क्रोधी लालची बढ़ते जा रही है। भगवान का ये श्लोक उल्टा, ये श्लोक जवान हो रहा है, श्रद्धा वाला श्लोक जवान नहीं हो रहा, अबस्य उम्मीदें अबस्य अमल अबस्य इल्म उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्जुल, ये श्लोक जवान होता जा रहा है, भगवान का ये श्लोक जवान नहीं होगा तो सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह, ये सतयुग था, मांगा के दामन में मेरे पुना, ये जवान नहीं हो रहा श्लोक, उल्टे पुल्टे जो भगवान के फरमान है वो जवान होते जा रहे हैं। फिर हार्दिक बधाई दूंगा आपको, मेरे इष्ट देव पर श्रद्धा है, मेरी देवियां मेरे इष्ट देव को अपना भगवान मानती है, बस इतना मानने में नहीं होगा बल्कि उनकी वाणी के अनुसार उन्हें जाना भी जाए, वाणी के माध्यम से, जैसे आपने कल्याण की इच्छा तो पैरों के माध्यम से आप भवन में पहुंची और भगवान की वाणी सुन रही है, जैसे पैरों द्वारा आप यहां तशरीफ लाए हैं, इस तरह भगवान की वाणी के द्वारा हम मालिक के चरणों में अप्रोच करेंगे।
कोई द्वारा चाहिए, इन्हें मीडियम चाहिए। ये बाला मालिक ने नियम बना रखा है, किसी के द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त किया जाता, जिसे हम मीडिएटर कहेंगे, जिसे हम मध्यस्थ कहेंगे, जिसे हम बिचौला कहेंगे। कोई चीज तो होती पर बिचौला डालना पड़ता है, शुरू से यही चलता आ रहा है। मेरी देवियों, मेरे सजनों, इन बिटवीन सम वन मस्ट बी इन बिटवीन। हाँ, कुछ पंचवे महापुरुष से पूछा गया था, मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? हाँ, मनुष्य किसे कहती है? मनुष्य किसे कहती है? हाँ, वाह, कामनाओं के अधीन हैरान हो रहा है जो, वो मनुष्य है। तो देवता कौन है? मनुष्य, भगवान के बीच में जो खड़ा है उसे देवता कहती है, उसे महापुरुष कहती है। इधर मनुष्य, इधर भगवान, और बीच में कौन है? देवता या महापुरुष, जो हम दोनों को बीच में खड़े होकर एक आंख से भगवान को देखता है, एक आंख से जहान को देखता है, और जहान वालों को भगवान की बात समझा के उधर ले जा रहा है, उसे देवता कहती है, उसे महापुरुष कहती है। वाह, ओ मेरे सजनों, अपने प्रभु, अपने सरताज, अपने मन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रहे थे, संसार को समझो, मैं ये कह रहा हूं, संसार क्या है उन्हीं से समझो, उन्हीं की वाणी हमें आपको याद करानी है, बतानी है, समझानी है। जहान क्या है? दूर शब्दों में जहान के जितने, जहान का मतलब बिठा लो, आपने बिठा लिया होगा, जितने प्राणी पदार्थ, जहान का मतलब जड़ चीजें, चेतन चीजें। भगवान ने दो चीजें बनाई है, चलने फिरने वाली चीजें और वृक्षों की तरह न चलने वाली चीजें, जिन्हें हम आचार कहते हैं, चार आचार। अच्छा, मूवेबल एंड इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स, दो में नजर आ रही चीजें, एक चार है, एक अचार, चार में चलने फिरने वाली, आ लगा दिया अचार, जो चलने फिरने वाली ना हो, जड़ या कह लो जड़ और चेतन, दो प्रकार की चीजें हो गई। ये भगवान ने जहान किसे कहती है? दो प्रकार की चीजों को जहान कहते हैं, जड़ और चेतन। लेकिन किसी को ये देख लेने से नहीं समझा जाता, ये तो बारी चीज में देखना, हाय भला भला व्यास जी, आपका बहुत भला। आपने कहा आपके पिताजी कौन है? वो जो बैठे हुए हैं। आपकी माँ कौन है? जो चौथी बैठी हुई है दूसरी लाइन में। अच्छा, ये माँ है? हाँ, पर इतना कैसे थोड़ा? वो बेवकूफ है, दूसरे को ये आपका पिता है, गलत, ये आपकी माँ है, गलत, ये माँ है ना। आगे फिर कहे आपके पिताजी कैसी हैं? ये तो बाहर शक्ल दिखा दीजिए पिताजी, लेकिन ये अंदर क्या है? आए, आए। ये आपकी माँ कैसी है? बहुत अच्छी है, भगवान की प्यारी है, अपना कल्याण करती है, हमें भगवान की ओर। ये माँ, ये तो पता लगे शक्ल से, ये मेरी माँ विशेष शक्ल, लेकिन माँ अंदर क्या है? ये जहान का ये तो पता लगे कि जड़ और चेतन है, लेकिन जहान के जड़ चेतन अंदर क्या है? इसे बोलती है द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, स्वरूप, उसका एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। और नेक जीवो, इसको जानो, तब सही रूप में किसी वस्तु को जाना जाता। कितनी जरूरत थी हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान का फलसफा देने की, हिंदुस्तान का ज्ञान देने की, हिंदुस्तान का विचार देने की, हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति समझाने की। हर एक देश की अपनी संस्कृति है, हमें अपनी संस्कृति नहीं समझाया जाता। बड़ा जुल्म कर रही है गवर्नमेंट उसके देश की, उसके देशवासियों को, हाँ, संस्कृति नहीं समझा रहे उसके देश की देशवासियों को। देखिए, मैं भगवान के सामने कह रहा हूं, ओ मौजूदा मूर्ख और नालायक गवर्नमेंट, अपने देशवासियों को अपनी देश की संस्कृति न समझाना उतना ही जुल्म है जितना सगी मां अपने छोटे बच्चे को अपना दूध न पिलाए। कितना बड़ा पाप होगा, हम तो कह के चले जाएंगे भगवान के पास। कितना बड़ा जुल्म होगा मेरी मां का, जो अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, गोदी के बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती। भगवान कभी नहीं बख्शेंगे ऐसी औरत को, भगवान कभी ऐसी नालायक गवर्नमेंट को नहीं बख्शेंगे जो अपने देश के बच्चों को क्या अपनी संस्कृति नहीं समझाती। गवर्नमेंट का काम ही क्या होता है? गवर्नमेंट होते हैं मां बाप, और वो आपको अपनी संस्कृति से मरूम रखती है, कहती है हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। हाय 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 हाय, जो दूसरे देशों को धर्म दिया करता था, धर्म दे आ रहा है, उसकी गवर्नमेंट कहती है हमारा धर्म निरपेक्ष, क्या सेक्युलर स्टेट,
आपको आपके देश की मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, धर्म न समझाना उसी तरह महापाप है जैसे सगी माँ अपने गोदी के बच्चे को अपना दूध न दे। क्योंकि कुछ पालती है अंदर पेट में कुदरत, और बाकी जो कसर होती है वो पालती है माँ का दूध। पेट मरे पड़ी उन्होंने सर्च की, जो माँ के दूध में ताकत है वो बाहरी चीजों में नहीं है। पेट मरे बहुत कुछ कर लिया, जो उसमें विटामिन है अच्छा, और जो उसमें दूध में जो है वो गवर्नमेंट का वो कोई रिसर्च करने वाला डॉक्टर कहां से पैदा करे, दूध के अंदर क्या है, जीवाणु है, पौष्टिक जीवाणु टॉनिक जो उसके अंदर जीव है वो कौन पैदा करेगा, जीव बिची जीव जो अंदर शक्ति बनाती है, जिनमें ये जीव कम होती है उनके बच्चे नहीं पैदा होते। क्यों पता क्या, ये बच्चा डॉक्टर कहते हैं आप में कमी है, कमी का मतलब वो जीव कमजोर है जो औरत के पेट में जाके बच्चा बनाते हैं। आए काए 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 काए। वो जीव वीक है। आपने दे तो दिया अपना अपनी ताकत अपना खून औरत को, लेकिन अपन नहीं अंदर डिवेलप होगी, क्यों वीक है। तो मां के दूध से स्ट्रांग बनती है। तो जैसे जुल्म हो गया अपने बच्चे के साथ के नहीं दिया, इस तरह गवर्नमेंट जुल्म कर रही है अपने देशवासियों के साथ कि देशवासियों को नहीं दे रही क्या, उनके अपने देश का धर्म, उनके अपने देश की कल्चर, कौन बख्शेगा इनको। गोसाई जी ने रब से अनुभव करके तो ये कहा, जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवशीन नरक अधिकारी। जिस राजा के दरबार में जनता दुखी होगी वो राजा नरक का अधिकारी बन जाएगा। पर आप शुक्र मना लो ना, भगवान जी आपको अपना उपदेश दे रहे हैं, भगवान जी मुझे अपना उपदेश समझा रहे हैं। हमारे अहोभाग्य अहोभाग्य सच्चाई से कह रहा हूं, हमारे अहोभाग्य कि हमें अपने देश का ज्ञान मिल रहा है। देश का ज्ञान क्या, देश हमारा क्या है, मातृभूमि, हमें मातृभूमि का दूध मिल रहा। ज्ञान का मतलब क्या, दूध, आपका अपना दूध। क्षमा करना, मैं ऐसे शब्द बोले बिना मैं क्या करूं, समझाना है मुझे, इसी मुझे शर्म का बुरका फाड़ के बोलना पड़ेगा। या शर्म करता हूं तो मैं मरता हूं भगवान के दरबार में, देनेदार बनता हूं। जैसे आपका आपके गोदी के बच्चे के लिए दूध है, उस तरह धरती मां का ज्ञान उसके बच्चों के लिए होता। सिर्फ उपज नहीं, उपज तो सथूर शरीर के लिए हुई, या तो हम सथूर शरीर लेके पैदा होते, पर आप सथूर शरीर लेके पैदा होते हैं दरिंदे परिंदे चिंदे। मनुष्य कौन है जिसमें दो शरीर हो, क्या एक सथूल एक सूक्ष्म। सथूल है अन्न वाला, इसे अन्नमय कोष बोलते हैं, और एक अंदर सूक्ष्म वो है विचारों वाला। बिल्कुल स्पष्ट है, हम आप दो शरीर लेके आए हैं, बाकी सब जीव एक ही शरीर लेके पैदा हुए जिसे बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। उन्हें सिर्फ खाना पीना और भोगना है बस। इंसान ने इतना नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं होती, इसलिए अंदर विचार भी है। कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी लोभ आता है, कभी प्यार आता है। ये क्या है, ये कौन है जिसका कभी तकरार, कभी प्यार, कभी अप कभी डाउन है, कभी लोभ की वृत्ति, कभी मोह की वृत्ति, कभी स्नेह की वृत्ति, कभी अहंकार आता है, ये कौन है। सूक्ष्म शरीर, इसी को हमने रेक्टिफाई करना है, इसी को रिफॉर्म करना है। किसको, अपने मन को। बार बार मन बुद्धि ना कहा तो सूक्ष्म शरीर कह दिया, हाय। इसी के लिए ही इस धरती का दूध है जिसे हम गीता ज्ञान कहते हैं। मैं इसे बढ़ के नहीं बोल सकता। जैसे बच्चे के लिए मां का दूध जरूरी है, उस देशवासियों के लिए उस देश का ज्ञान जरूरी है, उस देश का जहां भगवान ने पैदा किया। यह भी एक जुल्म है कि मैं हिंदुस्तान में होकर इंग्लैंड की और बाहरी कंट्री का ज्ञान लू, लालच मेरे लिए। यह भगवान के नियम के विरुद्ध, नले गैर का धर्म को खूब है, धर्म पर नाकस भी मरहूब है, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर। ये मैं आपके भगवान कहे, तुझे गैर के धर्म में गए खतर। उनके देश के लिए उनकी बातें बड़ी अच्छी हैं, उनकी बातें हमारे देश के लिए खतरे से भरपूर है। एक ही चीज अपने देश में अच्छी होती है, वही चीज दूसरे देश में जाके जहरीली बन जाती है। वाह वाह
वही चीज जो आपने बनाई है वो चार पांच छह सात घंटे ठीक रहती है, कुछ समय के बाद वो कसीली होने लग जाती है, सेहत के लिए बर्बादी मचाती है वो चीज, कुछ देर पड़ जाए तो वो आने लगती है। अपने घर में देख लो, आपको फेंकनी पड़ती है, कुत्तों को डालनी पड़ती है, ना ये हमारे लिए अब ठीक नहीं, खट्टी हो गई, ये गंदी हो गई। अचार आमतौर पर जो बदबू देते हैं, सब्जी थोड़ी देर के बाद खराब हो जाती है गर्मियों के सीजन में, आटा आपका बिल्कुल ही हो जाता है क्या खट्टा गर्मियों में खासकर, तो वो अपने घर की चीज खराब हो गई। गीता की ऐसे ही कदर करो जिसे बच्चे को अपने मां की दूध की जरूरत है, हमें भगवान के ज्ञान की जरूरत है। ये हमारी वसुंधरा का, हमारी धर्म भूमि भारत का ज्ञान है, धर्म भूमि भारत का ज्ञान। इतनी कदर कर लो, इतनी इंपॉर्टेंस दो अपने गीता के ज्ञान को कि इसके बिना तो इंसान परले दर्जे का नादान। रब ने कोई बढ़ा चढ़ा के बात थोड़ी की है, मेरे बुजुर्गों मेरे धार्मिक भाइयों माताओं मेरी कल्याणकामी देवियों, बल्कि सच्चाई प्रकट किया है। क्या सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से क्या बोलूं, तबाही में जाएगा पिंदास। भगवान जी के ज्ञान के अनुसार जो अपना जीवन नहीं बनाते, तबाही तबाही तबाही, तन भी दुखी होगा, मन भी दुखी होगा, बुद्धि भी दुखी होगी, और जिस घर में रहेंगे वो घर भी दुखी होगा, आह वो भी उनके कार्य से दुखी होंगे। बड़ी जरूरत है भारत के ज्ञान की, अर्थात भारत का ज्ञान इज इक्वल टू भगवान का फरमान। और रब्बा मैं क्या कहूं, आजकल ज्ञान भी क्या करा, महात्मा कह रहा मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान, वो ज्ञान नहीं, अपने भगवान का, भारत का ज्ञान भगवान का फरमान, भारत की सभ्यता भगवान का फरमान, भारत की संस्कृति भगवान का फरमान। जो मेरे प्रभु ने कहा है, जो मेरे दाता ने कहा है, मैं चिढ़ता हूं जब आप कहते हैं उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अरे नहीं, इससे पहले ये बोलो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता ज्ञान, पहले ये बोलो, पहले अंदर से बोल के बाहर आ जाओ, क्योंकि जो है जल गंगा भगवान के चरणों से निकली है, ज्ञान गंगा भगवान की श्री मुख से बाहर आई है। पहले मुख आता है फिर चरण आती है, मुख की वैल्यू ज्यादा होती है, चरणों की वैल्यू अपेक्षाकृत कम। जाग जाओ मेरे सजनों, जाग जाओ, वही हमारे प्रभु हमारे सरताज हमारे मन के राजा हमारे सुख देने वाले हमारे बेस्ट गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर ब्लेसेड लॉर्ड कृष्णा फरमा रहे हैं कि मेरी सृष्टि को समझो। क्यों हम दुखी हो गए, भगवान की सृष्टि को नहीं समझा। क्यों मेरी बेटियां बात बात में रोती हैं, क्यों आपने जिस दुनिया में आए उस दुनिया के विषय में आपको समझाया ही नहीं गया, आपको कहा ही नहीं गया शाबाश शाबाश शाबाश, इसके विषय में इसको बताया ही नहीं गया। मुझे याद आता है नुमाई का इम्तिहान था, हमारे इंग्लिश के टीचर इंचार्ज थे, उन्हें स्काउट मास्टर ही बनाया हुआ था, स्काउट मास्टर भी थे, स्काउटिंग भी सिखाते थे, स्काउट्स भी ट्रेनिंग देते थे। हाँ आमतौर पर क्लास में नहीं आते थे, क्योंकि सारी क्लास के सारे स्कूल के स्काउट्स को उन्हें लॉन में जाकर के समझाना बताना और हाथ मुझे यूं कर रहे हैं। हाँ अब एग्जाम नजदीक आ गए नुमाई के, अब पेपर उन्हें सेट कर दिया, हमें रुआते आकर के तैयारी करो ये करो वो करो। हम कुछ होशियार जो लड़के थे 8, 10, 12, 14, 15, 40 थे इकट्ठे हो गए, चाहे वो भी मुसलमान था टीचर इंचार्ज और हेडमास्टर भी मुसलमान, ये भी हम जानते थे किसी और मास्टरों का तुम्हारी सुनाई नहीं होगी, तुम्हें मार पिटेगी, पिटे दो मार, हम जाते जरूर हेडमास्टर के पास, चले गए चौकीदार को भेजा मिलना चाहते हैं नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट, अंदर गया उनको कहो खड़े रहे, खड़े रहे हम, फिर याद कर तू जा, हम खड़े हैं, फिर याद कराए अंदर बुलाओ उनको, गए क्या बकते हो, ये कहा जाता हमारे बड़ा आदर करते थे उन दिनों, क्या बकते हो तुम, मीटर को हमने मारी को नहीं, बोल हमारा इम्तिहान आ गया है, तो फिर हमें कोई तैयारी नहीं करवाई गई है जी, आपको पता नहीं इसलिए बताने आया हूं इम्तिहान क्या दे, क्यों उन्होंने पढ़ाया नहीं, वो तो स्काउट मास्टर आपने बना दिए हैं,
ज्यादा टाइम तो वो सिक्योरिटी को सिखाते रहे दोपहर को शाम को बुला करके, हमें हमारा कोर्स ही नहीं पूरा करवाया गया। अगर 12 चैप्टर है तो हमारे मुश्किल से 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर करवाए हैं। चपरासी को भेजा, बुला लिया गया, ये बच्चे क्या कह रही हैं, ये क्या बकवास करती हैं, क्या आपने पढ़ाया ही नहीं इनको? हेडमास्टर साहब मैं कैसी पढ़ाऊं, सारा टाइम तो आप मुझे लगवा देते हैं, इसमें जाना उसमें जाना उधर जाना, ननकाने साहब जाना है, बच्चों को ले जाना है या उधर ले जाना है, मेरे पर टाइम कहां है? सिकोर्ड मास्टर को और होना चाहिए, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम टीचर इंचार्ज हो, बच्चे ठीक कह रही है, बिल्कुल मैंने 3 चैप्टर पढ़ाए हैं और इम्तिहान 12 चैप्टर में होगा तो कहां से होगा, बच्चे कहां से देंगे? अच्छी बात है, तुम बच्चे जाओ, मैं तुम्हारा घर पूरा करूंगा। चलो हम तो बाहर आ गए, चलो हेडमास्टर ने मेहरबानी की, पर रब तो ऐसा करेगा नहीं ना। हेडमास्टर ने क्या कर दिया, जाओ हर एक स्टूडेंट के 60 नंबर 100 में से। ऐ वाह, जिंदा रहो, तेरी मां भी जिंदी रहे, बिना इम्तिहान लिए 60 नंबर हर एक को आ गए। जब ठीक है पढ़ाया नहीं गया तो हम क्या करें, बच्चों क्या करें? इधर रब तो नहीं कह सकता ये, वो तो नहीं पढ़ाते, इम्तिहान किस बात का जब हमें पढ़ाया नहीं गया? तो अब रब की दुनिया को पहले समझो, यही तो मैं कहता हूं ना, रब जब हम पैदा हुए थे हमें ये समझा देता मेरी सृष्टि ये है, हाय, या मां जी गुरु, फिर रब के बाद दूसरा गुरु है मां जी, मां के बाद उस तीसरे गुरु है पिताजी, इनके बाद हमारे पुरोहित, और फिर सबसे बड़े हमारे कुल गुरु होते हैं। अब आज सारा ही मामला, क्या मामला गोल है, आज सारे गोल कौन बताए? फिर मैं परमात्मा के सामने रो देता हूं कि दाता इंसान के बच्चे को बिना समझाए तो इनको पल्ले पढ़ना ही नहीं। अब वही रब कहते हैं पहले सृष्टि को समझो, सृष्टि मैंने अभी अभी कहा, सृष्टि तो नाम रूपों वाली है, तो नाम रूपों को कहने से तो कुछ नहीं मतलब, इनका स्वभाव क्या है, बस या बात आ गई। जैसे मैंने कही आपको माता पिता है, पर ये कैसी है, ये कहो ये कैसी है, शक्लें बड़े अच्छी है, कदम इनका बड़े है कैसे, पिताजी मेरे बड़े सख्त है, बड़े कठोर है, ये गर्मी में पैदा हुए हैं, माँ मेरी जो है सर्दियों में पैदा हुई है, क्या मतलब, मेरे पिताजी गर्म दल है, मेरी माँ नरम दल है। अब पता लगा ना, पिताजी शक्ल में है लेकिन अंदर क्या है, इससे ये प्राणी पदार्थ तो है पर अंदर क्या है, और नेक जीवो ये समझो, वो किसी को समझना हो तो बाहरी रूप में भी लो और आंतरिक रूप में लो, इंटरनली एक्सटर्नली एज वेल। हम लोग जो ये जमाना जो सिर्फ बाहरी रूप में ले प्राणी पदार्थों को, उन्हें मादा प्रस कहती हैं, उन्हें मटेरियलिज्म कहती हैं, उन्हें भौतिकवादी कहती हैं, ये जमाने का बोलबाला है, केवल भौतिकवादी है, और रब तेरी दुनिया, ये कल जो केवल भौतिकवादी बन गए, केवल बाहरी चीजों को लेने लग गए, सुंदर है अच्छी है रूप बड़ा अच्छा है, पड़े हुए है कमाते बहुत, लेकिन वो अंदर क्या है, अंदर क्या है, आज मुझे कहना पड़ेगा। अंदर जैसे एक छतीर होता है लकड़ी का, जिसके नीचे छत खड़ी है, हाँ कड़ियां ऊपर लगी हुई है, उस पर पेंट किया, बड़ा सुंदर पेंट किया हुआ है, बीच में हरा है, साइडों पर लाल लाल लाइनें लगाई गई हैं, कोई बहुत सुंदर बड़ा अच्छा छतीर है, छतीर है, हाँ हाँ क्या है, अंदर दीमक ने खा लिया है। आजकल के मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स क्या है, बाहर से मेकअप बड़ी अच्छी कर रखी है, सुंदर बने हुए, अंदर टेंशन ने चिंताओं ने खा लिया। अगर मैं झूठ बोलूं मुझे महापाप लगे। ओ मेरी बेटी बाहर से कितने सुंदर बनती हो, कितनी मेकअप करती हो, अब शहर के हर कोने में ये मेकअप करने वाली मेरी जल्दी लड़क लली भी आ गई है, ये सिखाना है, ये सिखाना है, बाल ऐसे करने हैं, कट के रखने हैं, ये आईब्रोज यू करने, मेरे रब्बो मेरे रब्बो। पहले जनता बेवकूफ थी, अब ये आर्ट सीख के और बेवकूफों को और बेवकूफ बनाया जा रहा है, बंदर को और शराब पिलाई जा रही है कि जो चंचल पने में कमी हो वो चंचल और बढ़ जाए, चंचलता उसकी और बढ़े हर बार। पहले हम झल्ले हैं जो बारी रूपों को सच मानते हैं, अब ये मेकअप करके सुंदर बना के बेवकूफों को और बेवकूफ बनाया जा रहा है, और सुंदर बन और अच्छी बात, भ्रगिटे सजा, ये कर, होठ अपने सजा, गला अपने सजा, वाल अपने यू यू बना के कर, इससे क्या होगा, नुकसान तेरा, तेरी सेहत तबाह होगी, नर भेड़िया बन जाएगा और खाएगा तुझे,
हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। आज और इंसान गंदा बना दिया गया। सुनो ना, इंसान क्या है? शक्ल तो है ही, पर शक्ल के साथ अंदर क्या है ये जानो। इसको हमारे भगवान व्यास जी की शब्द बोलू, इंसान आकृति नहीं, असल इंसान क्या है? प्रकृति। दो शब्द ले लो अपने राष्ट्रभाषा के, आकृति होती है शक्ल और प्रकृति होती है जो उसके अंदर बीत रही है। विचारधारा को बोलते हैं प्रकृति, उसकी नेचर। उर्दू वालो, इंसान सूरत ही नहीं, सीरत भी है। सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्खो सफेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या। कृष्ण हमारा खींचती है ध्यान अंदर, बेटी हम क्या है जो हमारे अंदर बीत रही है। बाहर नहीं, बाहर हम कितनी मेकअप कर ले, बाहर कितना सुंदर बन जाए, पर ये तो नहीं हम अंदर है। हाय हाय, ये जानो है, ये तो चलता फिरता मकान है। हम क्या है जो इस मकान के अंदर रहता, वो हम है। मकान चार मंजिला बड़ा सुंदर है, संगमरमर का बना हुआ है, तो यही सब कुछ है? नहीं नहीं नहीं, जो इसके अंदर रहती है वो ये मकान है। अंदर शराबी है तो मकान गंदा है, अंदर भगवान के प्यारे हैं तो मकान मंदिर है। या संगमरमर का मकान बना हुआ हो, अंदर क्या है? अंदर हाय हाय, तो सृष्टि ये नजर आती है, नाम रूप, नेम प्लस फॉर्म, नो डाउट, पर ये है क्या? अनित्यम आत्मा, दिस इज द नेचर ऑफ वर्ल्ड, दिस इज द रियल एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड। संसार क्या है? भले ही सुंदर नजर आता हो, लेकिन क्या सुंदर हुआ? जैसे मैंने कहा, छतीर शानदार है, पेंट किया, वेल पेंटिंग, डबल कोट किया हुआ छतीर, मारो काट डबल कोटिंग को, जबकि अंदर दीमक ने खा रखा। संसार क्या बड़ा सुंदर, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड वेरी वेरी हैंडसम दिखाई दे, मे बी, लेकिन व्हाट इज द वर्ल्ड इंटरनली? जितना सुंदर नजर आता है बड़ा अच्छा है, लेकिन है थोड़े दिनों का, अनित्यम। और अगर हमने इसको ले लिया तो दुख देगा, क्योंकि जो चीजें अनित्य हो उसे अपना ली जाए तो अपनाने से क्या वो नित्य हो जाएगी, उन्हें परिवर्तन आएगा, हमें नहीं अच्छा लगेगा, हमें गवारा नहीं, हम रोते रहेंगे। इसलिए संसार व्यवहार करने योग्य था, इतवार करने योग्य नहीं था। और सुनो ने एक जीवो, वो आपके कृष्ण बार बार कह रहे हैं, कोई एक लोग सुना सकता है इसका कि जहान व्यवहार करने योग्य, इतवार करने योग्य नहीं? कोई एक लोग मुझे बता दे गीता का, या मैं बकवास कर रहा हूँ अपनी ओर से, या मैं तो बढ़ा चढ़ा के झूठी बात कह रहा हूं? कहां भगवान ने कहा है संसार इतवार करने योग्य नहीं, व्यवहार करने योग्य? कम ऑन बोलो, जहान व्यवहार करने योग्य, इतवार करने योग्य नहीं? कहां है हमारे सरताज और मन के राजा का फरमान? कहां हमारे गाइड फ्रेंड ऑफ फिलोसफर का फरमान? भूल जाओगे जी? वेद जी क्या कह रहे आप? ये आप फरमा रहे हैं मेरी वेद जी, ये बोलेगी तू मां दी दिए जी, ये बोलो जरा, क्या पी के नहीं आई? ओ मेरे बेटे ये बोलो, भगवान का भक्त तू ना थप्पड़ मारता हुआ अच्छा नहीं लगता, मतलब एक एक कांटा या लगाने चाहिए गालों पर, कितना अच्छा फरमान ये, भूल जाओगे? सहारा किसी का न ले एक पल, ये मेरे भगवान का फरमान है। जो किसी का सहारा नहीं लेता, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है एन, ये ना भूलना हो मेरे हिंदुस्तान। ओ हिंदुस्तान में कल्याण चाहने वाले जवान, तुम्हें कैसी आकाशवाणी से बोलूं, यह है तेरे भगवान का कल्याणकारी फरमान, सहारा किसी का न ले एक पल। रहे मैं भी रहूं, आप भी जाएंगे कहां, हम कहीं भी चले जाए, वहां भी तो नाम रूप होंगे, वहां भी तो जड़, कहीं भी, एनी वेयर यू मे लाइक, एनी वेयर, वहां भी तो नाम रूप होंगे। इसलिए जहां रब ने रखा है बड़ा अच्छा, तो यही पाठ पक्का कर ले, यही बैठे हुए सहारा तो मैंने रब का लेना है, अनित्य चीजों का सहारा नहीं लेना।
इनके साथ व्यवहार करने में इतबार नहीं करना। आय खाए इन्हें इतबार नहीं, क्यों? सहारे टूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। सुनो नेक जीवो, और सुनो दुनिया का स्वभाव जो रब कह रहा है, सहारे टूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। ये गुब्बारे फूट जाते हैं गुब्बारों का भरोसा क्या। ये रिश्ते टूट जाते हैं इन रिश्तों का भरोसा क्या। किनारे डूब जाते हैं किनारों का भरोसा क्या। बहारें रूठ जाती है बहारों का भरोसा क्या। बहारें बड़ी अच्छी होती है पर चली जाती है, पतझड़ पतझड़ शुरू हो गई है। बहारें रूठ जाती है बहारों का इनका भरोसा क्या है। इसलिए तो हमारे छोटी के जगत गुरु कह रहे गए, सहा क्या दाना कहां इनसे खुश था। दाना अपनी खुशी इनसे नहीं लेगा, जो तो कल्याणकामी मेरी देवी भगवती है वो अपनी खुशी का सहारा परमात्मा को बनाएंगे, इनको नहीं बनाएंगे। इस आधार पर भगवान ऐलान करते हुए गीता का उपदेश शुरू कर रहे हैं। क्या वो बातों के आखिर, हम रो रही हैं, हम चीखे मार रही हैं, हम अपनी छाती कूट रहे हैं, हम आपस से बाहर हो रही हैं, हम बेचैन और बेकरार हो रही हैं, और हमारे आंसू पूछने वाला कह रहा है वो बातों के आकर बड़ा पढ़ा लिखा है तुम बीए हो, तुम एमए हो, तुम डबल एमए हो, तुम ट्रिपल एमए हो, तुम क्या हो क्या हो, तुम पीएचडी हो, और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ले रखी है मां जी धीयों ने, कोई इतना कुछ भगवान। इसलिए दाना का जब गली दाना, वो बातों के आकर ना खो दिल मलूर न कर उनका गम जिनका गम मैं फजूल। क्या कमाल की बात, जिनका तुम गम ले बैठे हो वो गम व्यर्थ का है। क्यों व्यर्थ का है, हमने समझा जो नहीं। अगर हमें संसार को जैसे हमने कहा मास्टर हेडमास्टर को, जो तुम इम्तिहान लेने जा रहे हो हम किसके इम्तिहान दे, हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो जो हम संसार का गम ले बैठे हैं, संसार के बारे में हम जानते ही नहीं, संसार है क्या, किस माँ ने बाप ने चाचे ने ताया ने उस्ताद ने गुरु ने ब्राह्मण ने देवता ने ये सपने में समझाया, अनित्यम अब किसी ने समझा। हम असलियत से गुमराह है, हमें असलियत का पता ही नहीं, इसलिए तो इसको सच्चा मान के इसको दिल दे बैठती है। हाय किसी ने हमारा बाजार में हाथ पकड़ के कहा होता, क्या इन्ना मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार न करी, सोनी जिंदड़ी ओ सोनिया ख्वार न करी, इन्हीं मिट्टी दी मूर्ता नाल व्यवहार करी, इतबार न करी। किसने चेतावनी नहीं दी, दुनिया बनाने वाला चेतावनी दे रहा, दुनिया बनाने वाला कह रहा है कि ना न जी डगमगाओ उसकी तकमील कर। आओ अभी समझ ले, अभी इसको जान ले, फिर हम हंस हंस के व्यवहार करेंगे, फिर हम रोएंगे नहीं, अपना 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 कर्तव्य पूरा कर देंगे। इसलिए भगवान की गीता हम दुखियों के लिए यहीं से शुरू हुई कि हम निरीक्षण करें, हमने सही समझा ही नहीं, हमें तो इसका सही रूप में पता ही लगा, हम तो समझते हैं जैसे ये है ऐसे है, ऐसे तो है ही नहीं, इनका आंतरिक स्वभाव कुछ और है, बाह्य स्वभाव कुछ और है, आंतरिक स्वभाव कुछ और है। वो रब्बा हम अब समझ आ रही है, जब मरने के दिन आ गए दुनिया के लालो लाल बेर की तरह गए, बाहर से लालो लाल है अंदर खट्टी खट्टी खट्टी, बाहर बड़ी लाल है अंदर खट्टी, तो अब पता लगा जब मरने के दिन आ गए, अब समझ आ रही है इस ग्लोब रंग बू पर क्या जो मस्त हुआ है। आदिले नादा कफस को आशियां समझे तू, है तो ये पिंजरा लेकिन हम तो घोसला बनाई बैठे हैं, है संसार पिंजरा और हम समझे बैठे हैं ये आराम देने का स्थान है, आराम देने का स्थान नहीं, अपने फर्ज पूरे करने का मैदान है। इट इज द फील्ड ऑफ आवर एक्टिविटीज, अपनी ड्यूटीज। वाह वाह
अब हम ऐसे समझते नहीं, हमें ऐसे पता ही कोई नहीं, हमने इसको कुछ और लिया है, संसार कुछ और है, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, दुख तकलीफ चिंता, और दुनिया बनाने वाला क्या कह रहा है, तो उनका गम ले बैठा जिनका गम करना ही नहीं। एक बार तो हमें बड़ी भारी हैरानगी होती है कि ये जो मैं गम कर रहा हूँ, ये गम मेरा बिजनेस है, इंटायरली बिजनेस, क्यों इसको समझा ही नहीं गया, इसको हमने लिया ही नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश। मर गया एक स्टूडेंट, सवाल करता 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 अपनी कॉपी के 10 सफे भर लिए, जवाब नहीं मिला, आखिर में रो के वो अपने मास्टर जी मुझे नहीं सवाल, ये देखो मैंने सारा किया, देखो जरा 10 सफे भर दिए, मैंने कोई कोई परले दर्जे का नलायक और बेवकूफ है, क्यों मैंने प्रचार तो किया, प्रचार तेरे मिट्टी किया, ये सवाल समझ के तू फौरन सवाल पड़ा करने लग गया, वो सवाल तो सिंपल इंटरेस्ट का है, कमली माँ दे कमले पुत्रा, हमारे मास्टर जी बोलते थे, सवाल सिंपल, तू कंपाउंड इंटरेस्ट का किया, ओए गोए गोए गोए। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, और तू कंपाउंड बनाई बैठा है, साधारण ब्याज के सवाल को चक्रवृद्धि ब्याज में निकालेंगे, निकलेगा सूरज अस्त हो जाएगा, सवाल का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि है वो साधारण ब्याज, मैं बनाई बैठा चक्रवृद्धि ब्याज, हाय हाय संसार तो एक साधारण है, मैं मां का कमला पुत्र बनाई बैठा चक्रवृद्धि, तो क्या होगा, गम बेहिसाब उनको, समझो संसार को, समझो संसार के बनाने वाले को, पहले जिसको जो नजर आ रहा है इसको समझा जाता है, और इसमें फिर व्यवहार जी जान से की जाती है, इतबार नहीं किया जाता, मन नहीं फंसाया जाता, फिर सारा मन जो बिखरा हुआ था इकट्ठा करके भगवान की ओर लगा दिया जाता, समझो मेरे सजनों, में तो थोड़ी सी जितना आप समय देते हैं थोड़ा सा समझाना होता है, थोड़ी सी आउटलाइन या रूपरेखाएं ड्रॉ करनी होती है, आगे एकांत में बैठ कर पुत्र घड़ियों में गहरे उतर जाओ, बस यहीं से गलती होती है, असर की समझ आई, मन पीछे हट गया और तलीन होने लग गया, बिल्कुल अपनी जात में तलीन, अपने आप में एक मिनट हो गया, करो गीता की कदर, करो अपने भगवान के उच्च कोटि के फरमान की कदर, इसमें हमारा लाभ, हमारी भलाई, हमारे दुख भाग जाएंगे, हम अपने कल्याण के योग्य हो जाएंगे, क्या चोटी का फरमान है प्रभु का, तो बातों के आकिल न हो दिल मालूम, न करे उनका गम जिनका गम मैं पदूर, वो ऐसी ताए न दाना करन जो अलाऊं, हाय मरे का न सोगर न जीते का गम, गम दो तरफा मैंने कह दिया था, जो शरीर छोड़ गया उनके गम हम सिताते हैं, क्या संबंधी चले जाती हैं, संबंध रुलाता है, और एक जो जिंदा है जिनके साथ हमारा व्यवहार है वो हमारे मुताबिक नहीं है, वो और प्रकार की हैं, उनमें कमियां खाती हैं, उनमें बीमारियां हमें खाती हैं, इनको ये मेरी चाहता, मेरे पति ऐसे, मेरी पत्नी ऐसे, मेरा पुत्र ऐसा, मेरी दी ऐसा, मेरा जवाई ऐसा, वो मैं नहीं चाहता, पर है उलट, सारे गुग्गू हैं, गुग्गू बुद्धू हैं, मैं ऐसा नहीं चाहता, तो जो जिंदा है वो मेरे मुताबिक नहीं दुख देते हैं, जो चले गए हैं मेरे लिए बड़े सुखकारी थे, उनका प्यार उनका सुख मुझे रुलाता है, रात को बिस्तर पर मैं करवटें लेता रह जाता हूँ, हाँ मुझे भर के नींद ही नहीं आती, मैं अपने सराहने को अपने आंसुओं से गीला करता रहता हूँ, और उधर मेरे प्रभु कहते हैं सीधा है ना दाना को रंजू अलम मरी का नफ्स हो, मैं दाना तो हूँ नहीं, मैं तो नरक हूँ, मैं तो मूरख हूँ, मूरख कौन जो भगवान को नहीं मानता, कृष्ण कहती है मूरख कौन जो भगवान के उपदेश को नहीं मानता, भगवान ने दो ही बातें बनाई है, जो भगवान को नहीं मानता, भगवान के उपदेश को नहीं मानता, उसको भगवान कहते हैं मूढ़ा, वो मूढ़ है, वो बुद्धू है, वो मूरख, और मूरख क्या होगा, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर, सोचना सोचो मेरी देवी, अपने गीता के फरमान की कदर करके अपना लो, पहले जो दिन गुजर गए चलो गुजर गए गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान, अब जो दिन रह गए महाराज जी के उपदेश के अनुसार बुद्धि मन और अपने दैनिक चर्या को बना डालें, सवार लें,
गुड। ओ बातों के आकिल न हो दिल मलूल न कर उनका गम, ये विषय चलता ही रहेगा जब तक भगवान करे हमारे मन में बैठ न जाए। भगवान ये विषय चला ही रखे ताकि हम पूर्ण रूप से समझ लें। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक खुशी। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
वही भवंत सुखिना सभी संतु निराया सभी भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।